कि एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उससे पहले मैं आपको बताऊंगी एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग क्या होता है लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग कहते हैं दैट मीन्स कि एक्सरे फिल्म पर जो लेटेंट इमेज बनती है उस लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग कहते हैं लेटेंट इमेज मीन्स होता है इनविज तो एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग कहते हैं अब बात करते हैं कि एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं नंबर वन फैक्टर जो की एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग को अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर ऑफ दी प्रोसेसिंग सॉल्यूशन प्रोसेसिंग सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या करता है एक्सरे फिल्म प्रोसेस पर अफेक्ट करता है नंबर सेकंड फैक्टर है जो कि एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग को अफेक्ट करता है वो है प्रोसेसिंग टाइम एंड नंबर थर्ड है कंसेंट्रेशन ऑफ द केमिकल्स केमिकल की जो कंसेंट्रेशन होती है वो एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग पर क्या करती है अफेक्ट करती है इसके अलावा नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ द केमिकल क्वालिटी ऑफ द केमिकल मीन्स कि केमिकल की क्या क्वालिटी है वो भी वो फैक्टर भी क्या करता है एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग पर अफेक्ट करता है एंड लास्ट है फिल्म हैंडलिंग फिल्म हैंडलिंग भी एक अनदर फैक्टर है जो कि एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग को अफेक्ट करता है सो दीज आर दी मेन फैक्टर्स जो कि एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग को अफेक्ट करते हैं ये मेन फैक्टर्स हैं जो कि एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं तो नंबर वन से स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर ऑफ़ दी प्रोसेसिंग सॉल्यूशन तो फिल्म प्रोसेसिंग के लिए आइडियल टेम्परेचर जो होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा मीन्स कि हाइयर टेम्परेचर हो जाएगा तो उसकी वजह से फिल्म ओवर डेवलप हो सकती है और अगर टेम्परेचर ज़्यादा लो होगा तो उसकी वजह से फिल्म डेवलप हो सकती है डेवलपर फिक्सर और वाटर का टेम्परेचर प्रिसाइजली कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिल्म के इमल्सन लेयर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी जिसकी वजह से फिल्म पर केमिकल फॉग जनरेट होगा और अगर टेम्परेचर्स कम होगा ज़्यादा कम होगा तो उसकी वजह से हाइड्रोक्योनिन काम करना बंद कर देगा जिसकी वजह से फिल्म का कॉन्ट्रास्ट और डेंसिटी दोनों रिड्यूस हो जाएंगे इसलिए डेवलपर फिक्स एंड वाटर का टेम्परेचर प्रिसाइजली मेंटेन और कंट्रोल होना चाहिए इसलिए हर एक टैंक में हीटिंग एलिमेंट लगे होते हैं और इन हीटिंग एलिमेंट को थर्मोकपल के थ्रू कंट्रोल करते हैं थर्मोकपल कपल मीन्स क्या होता है इसका यूज प्रोसेसिंग केमिकल सॉल्यूशन का टेम्परेचर मेंटेन करने और रेगुलेट करने के लिए किया जाता है थर्मोस्टेट डेवलपर और फिक्सर सॉल्यूशन के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है जब भी टेम्परेचर कम होगा तब इमर्जन हीटर टेम्परेचर को रिक्वायर्ड लेवल पर इंक्रीज करता है इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है जो कि एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग को अफेक्ट करता है वो है प्रोसेसिंग टाइम प्रोसेसिंग टाइम मीन्स डेवलपमेंट टाइम ये वो टाइम होता है जो कि ऑप्टिमम इमेज क्वालिटी को जनरेट करता है प्रोसेसिंग टाइम इमेज की डेंसिटी एंड कॉन्ट्रास्ट को अफेक्ट करता है दैट मीन्स कि इमेज की क्वालिटी को अफेक्ट करता है अगर टाइम जो है वो शॉर्टर होगा तो ये अंडर डेवलप्ड इमेज को जनरेट करेगा अगर टाइम लोंगर होगा तो उसकी वजह से ओवर डेवलपमेंट होगा मीन्स की ओवर डेवलप्ड इमेज एंड फोक्ड इमेज का जनरेशन होगा अगर टाइम शॉर्टर होगा तो उसकी वजह से अंडर डेवलप्ड इमेज जनरेट होगी और अगर टाइम लोंगर होगा तो उसकी वजह से ओवर डेवलप्ड एंड फोक्ड इमेज क्या होगी जनरेट होगी इसलिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है जो कि एक ऑप्टिमल इमेज क्वालिटी जनरेट करता है मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में एक स्टैंडर्ड डेवलपमेंट टाइम जो होता है वो अबाउट फोर मिनट होता है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग में जो डेवलपमेंट टाइम होता है स्टैंडर्ड डेवलपमेंट टाइम वो अबाउट ट्वेंटी सिक्स का होता है इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है जो कि एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग को अफेक्ट करता है विच इज़ कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल केमिकल की कंसंट्रेशन एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग को अफेक्ट करती है इसलिए केमिकल सॉल्यूशन का प्रॉपर डाइल्यूट होना जरूरी है अगर केमिकल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इनकरेक्ट होगी दैट मींस की कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल अगर ज़्यादा होता है या फिर कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल कम होता है दोनों ही रेडियोग्राफिक इमेज की शार्पनेस विजिबिलिटी और डायग्नोस्टिक वैल्यूज़ को क्या करता है अफेक्ट करता है इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ड्यूरिंग द एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग करेक्ट कंसनट्रेशन ऑफ केमिकल सॉल्यूशन को मेंटेन करना तो एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग के टाइम पर यह बहुत ही ज़्यादा क्रुशियल हो जाता है करेक्ट कंसनट्रेशन ऑफ़ केमिकल को मेंटेन करना क्यों क्योंकि ये क्या करेगा एक क्लियर वेल डिफाइंड एक्सरे इमेज जनरेट करेगा जो कि सटेबल होती है एक एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए इसलिए प्रॉपर डायलूशन होना प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि एक प्रिंटेड इमेज जनरेट ना हो इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है जो कि एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग को अफेक्ट करता है वो है क्वालिटी ऑफ केमिकल अगर केमिकल फ्रेश है तो वो प्रॉपर इमेज डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगा और अगर केमिकल ओल्ड और कंटामिनेटेड है तो वो इमेज क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है कैसे करता है अगर लो क्वालिटी का और एक्सपायर्ड डेवलपर सॉल्यूशन है तो उसका रिज़ल्ट कैसा मिलेगा इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ एक्सरे फिल्म एक्सरे फिल्म पर इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होगा जिसकी वजह से इमेज जो मिलेगी वो फेडेड मिलेगी पुअर कॉन्ट्रास्ट मिलेगी और फोग उस पर क्या होगा बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो फ्रेश हाई क्वालिटी डेवलपर केमिकल सॉल्यूशन का यूज़ करने करना चाहिए क्योंकि ये क्या करता है प्रॉपरली इंट्रैक्ट करता है सिल्वर हैलाइट क्रिस्टल के साथ जिससे एक प्रॉपर शार्प क्लियर इमेज मिलती है इसलिए ऑलवेज हाई क्वालिटी डेवलपर केमिकल सॉल्यूशन यूज़ करना चाहिए अगर लो क्वालिटी एक्सपायर डेवलपर यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट ये मिलता है कि वो इनकम्प्लीट डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से इमेज फेड हो जाती है और पुअर कॉन्ट्रास्ट मिलता है और अगर लो क्वालिटी और एग्जॉस्टेड फिक्सर है तो उसकी वजह से दैट मीन्स कि अगर फिक्सर की क्वालिटी पुअर है तो उसकी वजह से इनकम्प्लीट फिक्सिंग होगी जिसकी वजह से इमेज का अपियरेंस क्लाउडी होगा डिसकलरेशन होगा और फेडिंग टाइप का होगा इसलिए ऑलवेज हाई क्वालिटी फ़िक्सर सॉल्यूशन केमिकल का यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये प्रॉपरली जो फिल्म होती है उसको फिक्स करता है हार्डन करता है और जो भी अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइट क्रिस्टल्स होती है उनको फुली रिमूव कर देता है जिसकी से एक स्टेबल ड्यूरेबल इमेज मिलती है तो फिक्सर का काम क्या होता है फिक्सर होता है फॉर रिमूविंग सिल्वर क्रिस्टल्स और फिल्म को हार्डन करने का काम करता है इसलिए ऑलवेज हाई क्वालिटी के फिक्सर केमिकल सॉल्यूशन का यूज करना चाहिए अगर पुअर क्वालिटी का फिक्सर सॉल्यूशन केमिकल सॉल्यूशन यूज करते हैं उसकी वजह से इमेज क्लाउडी हो जाएगी फेड हो जाएगी और डिसकलरेशन होगा इसलिए ऑलवेस्ट ऑलवेज हाई क्वालिटी केमिकल सॉल्यूशन का यूज करना चाहिए और अगर केमिकल कंटामिनेटेड है ठीक है केमिकल सॉल्यूशन चाहे वो डेवलपर हो चाहे फिक्सर हो अगर वो कंटामिनेटेड है कंटामिनेटेड मतलब उसके अंदर डस्ट है डर्ट है या अदर सब्सटेंसेस हैं तो उसकी वजह से क्या होगा स्ट्रिक्स होगा आर्टिफैक्ट होगा स्ट्रिक्स का मतलब वो क्या कर देगा जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको लॉन्ग कर देगा और आर्टिफैक्ट कोर्स करेगा जिसकी वजह से इमेज की क्वालिटी क्या होगी अफेक्टेड हो जाएगी इसलिए ऑलवेज हाई क्वालिटी फ्रेश और अनकंटामिनेटेड केमिकल सॉल्यूशन जो है असेंशियल होता है फॉर जनरेट सार्प हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज ठीक है सार्प और हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज जनरेट करने के लिए ऑलवेज हाई क्वालिटी फ्रेश और अनकंटामिनेटेड केमिकल सॉल्यूशन का यूज करना चाहिए अगर पुअर क्वालिटी के केमिकल सॉल्यूशन का यूज करते हैं तो वो क्या करेगा प्रॉब्लम कॉज करेगा जैसे कि इमेज को फेंट कर देगा उसको फोक कर देगा और डिस्कलरेशन uh,

फिल्म सरफेस पर टचिंग को अवॉइड करना है तो प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए फ़िल्म की अगर प्रॉपर हैंडलिंग नहीं होगी फिल्म की तो उसकी वजह से इमेज क्वालिटी पर अफेक्ट पड़ता है इमेज क्वालिटी पर फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं लाइट्स एक्सपोज हो जाती है स्क्रैचेस आ जाते हैं जिसकी वजह से इमेज क्वालिटी क्या होती है पुअर हो जाती है इसलिए ऑलवेज प्रॉपर हैंडलिंग करनी चाहिए ड्यूरिंग द एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग फिल्म को प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए अगर आपको फिल्म हैंडलिंग और स्टोरेज पर डिटेल में पढ़ना है तो उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है उसका लिंक मैंने आई बटन पे दिया हुआ है आप जाकर देख सकते हैं अब आपको मैं इसको इन शॉर्ट में बता देती हूँ लाइक टेम्परेचर प्रोसेसिंग टाइम कंसेंट्रेशन एंड क्वालिटी ऑफ केमिकल और हैंडलिंग ये सारे के सारे जितने भी हैं ये मेन रोल प्ले करते हैं एक गुड इमेज क्वालिटी एक्सरे इमेज को जनरेट करने के लिए इसलिए ऑलवेज प्रॉपर मैनेजमेंट की एनसीओटी होनी चाहिए ताकि ये क्लैरिटी एंड डायग्नोस्टिक यूजफुलनेस के साथ एक गुड क्वालिटी की इमेज मिल सके सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टूडे थैंक यू